आज हम सीखेंगे कि कैसे आपका अगर वेबसाइट किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में है तो कैसे आप गूगल को ये बताएंगे कि आपका वेबसाइट जो है वो किस लैंग्वेज में है, ताकि वो यूजर्स को ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दे, यानी कि वो यूजर का जो बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है उसके साथ अगर वो मैच नहीं करता है तो यूजर को क्या नोटिफिकेशन दे कि इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करे, अपने जो खुद का जो डिफॉल्ट उनका लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल को पता होना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट किस लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर किस लैंग्वेज में है। जनरली लोग क्या करते हैं, ब्लॉग चाहे जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं वो क्या होते हैं कि इंग्लिश में होते हैं, तो उनके साथ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है तो आपके साथ ये इश्यू हो सकता है कि अगर कोई आदमी दूसरे जगह से जहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं चलती है तो उसको क्या होगा, गूगल ऑटोमेटिकली रेकमेंड करेगा कि इस सारे के सारे टेक्स्ट को क्या करें, उनका जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है या फिर उनका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक कि कैसे ये सब होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक खोल रखा है, ये क्या है, पूरा का पूरा जो ब्लॉगर पे होस्टेड वेबसाइट है टोटली बांग्ला में लिखा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्ला से मेरा जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है क्रोम का उसको मैंने इंग्लिश कर रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है बांग्ला टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का ऑप्शन मुझे दे रहा है। तो इस तरह से कैसे आप, जैसे आप ट्रांसलेट भी हो गया, तो इस तरह से कैसे आप गूगल को बताएंगे कि आपका वेबसाइट किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और जो यूज़र है उसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वहाँ पे जाना है। वर्डप्रेस वाले क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे और उनके जो HTML है उनका जो HTML है उसमें हेड सेक्शन में ऐसे पेस्ट करना है। अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश में है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के लिए वहाँ पे बाय होता ही है, लेकिन अगर आपका स्पेनिश में है, पोर्तुगीज में है या फिर चाइनीज़ है या फिर US इंग्लिश में है या फिर मल्टीलिंगुअल है, तो आप इस तरह से यहाँ पे सारे कोड्स दिए हुए हैं, सारे कोड्स अलग अलग लैंग्वेज के लिए हैं, तो आप उस तरह के जो भी आपका लैंग्वेज होगा वेबसाइट का वो कोड यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल दिखाता हूँ कि ब्लॉगर वाले कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर में ये कोड HTML कोड डालने के बावजूद भी क्या होता है कि गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि इस वेबसाइट में किस लैंग्वेज में कंटेंट लिखा हुआ है। तो ब्लॉगर वाले क्या करेंगे, वैसे वर्डप्रेस में तो बहुत सारे प्लगइन्स भी आ जाते हैं और ये कोड डालने से भी हो जाएगा, लेकिन ब्लॉगर वाले क्या करेंगे, ब्लॉगर वाले क्या करेंगे, सिंपली ब्लॉगर वाले आपका डैशबोर्ड में जाएंगे। ब्लॉगर डैशबोर्ड में आने के बाद वहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है ब्लॉग लैंग्वेज, इसको क्या करना है, आपको आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है या फिर आपने जिस भी लैंग्वेज में अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिखा है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो भी इस तरह से यूजर्स का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहा है तो उसको उसमें ट्रांसलेट करने का ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिखा रहा है उस तरह से उनको भी शो करेगा, यानी कि ये hreflang टैग उसमें वो रिकोगनाइज कर लेता है अगर हम उसका लैंग्वेज को वहाँ पे ब्लॉगर में यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अपने पोस्ट को हिंदी या फिर बांग्ला किसी और में लिख रहे हैं और यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही कर रखा है, तो उससे क्या होगा, आपका रैंकिंग में भी प्रॉब्लम होगा और यूजर्स के क्या होगा, यूजर्स अच्छे से आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे।